अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस के साथ सर यूनस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रही हैं, व्हाई डू साइंटिस्ट यूज बैक्टीरियम इन व्हाई डू साइंटिस्ट यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। के जो हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं वो यूज़ क्यों करते हैं बैक्टीरिया को, इसके अंदर भला जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या वजूहत होती हैं, क्या रीजंस होती हैं कि वो जो है ना बेसिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या भला हमारी जो है ना साइंटिस्ट जो है ना वो बैक्टीरिया को क्यों इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि बैक्टीरियल सेल इज़ वेरी सिंपल। जो बैक्टीरियल सेल होते हैं ना वो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सादा होते हैं एंड ईजी टू ग्रो, और जो है ना वो ईजीली वो क्या करते हैं ग्रो करते हैं, मतलब ईजीली वो क्या करते हैं वो पैदावार हो रहे होते हैं। मीन डैट के वो जल्दी से ग्रो करते हैं, जल्दी से वो पैदा होते हैं और वेरी सिंपल होते हैं। इट डज़ नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, इनका कोई ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। द क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए, जो क्रोमोसोम्स हो गए जो कि मुश्तमिल होते हैं डीएनए के ऊपर, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म। देखिए और कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ। ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बल्क खाते हुए, दैट आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, इन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ये प्लाज्मिड कहलाते हैं। प्लाज्मिड को जब हम माइक्रोस्कोपिक देखते हैं तो हमें ये वाली स्ट्रक्चर जो है ना बेसिकली नज़र आ रही होती है। आगे वो बताएगा भी सही कि वो हम क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं एडिशनल सर्कुलर पीसेज ऑफ डीएनए, के जो एडिशनल सर्कुलर पीसेज होते हैं डीएनए के कॉल्ड प्लाज्मिड, तो वो क्या कहलाते हैं? प्लाज्मिड कहलाते हैं। देखिए ये एडिशनल सर्कुलर पीसेज ऑफ डीएनए हैं और ये बेसिकली क्या होते हैं? प्लाज्मिड होते हैं, आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं? साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। प्लाज्मिड कैन बी इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल, प्लाज्मिड जो है ना वो आसानी से अलग-अलग हो जाते हैं एक बैक्टीरियल सेल से, वो अलग-अलग हो जाते हैं। एंड अ जीन कैन बी अटैच विद इट, और हम जो जीन अटैच करते हैं बाहर से वो भी किसके साथ करते हैं? इसी प्लाज्मिड के अंदर ही करते हैं। प्लाज्मिड कैन कैरी द अटैच फॉरियन जीन इन टू बैक्टेरियम, प्लाज्मिड जो है वो कैरी ले जाता है अटैच फॉरियन जीन इन टू बैक्टेरियम, वो जो है अपने अंदर एक जो बाहर वाला जीन होता है, क्योंकि मैं अभी पढ़ा चुका हूँ आपको ऊपर कि जो फॉरेन जीन होता है वो बेसिकली वो जीन होता है जो हम बाहर से इंसर्ट कर रहे होते हैं किसके अंदर? बैक्टीरियम के अंदर। इन दिस वे, इस तरीक़ाकार के अंदर प्लाज्मिड एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ अ फॉरेन जीन, जो प्लाज्मिड है वो एक्ट करता है, काम करता है एज अ फॉरेन जीन, एक फॉरेन जीन के तौर पर। और अनदर रीज़न फॉर यूजिंग बैक्टीरिया, जो दूसरी वजूहत होती हैं किसको भला बैक्टीरिया को इस्तेमाल करेगी, वो ये होते हैं इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, इज देयर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, के जो इसका जो रेट होता है रिप्रोडक्शन का वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है डीएनए में देखेगा, एमसीक्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बार हाथ देता हूँ बेटा एमसीक्यूज के लिहाज से, और ये आपने अच्छे से इसको याद भी करना है। वो कहता है अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल, जो एक बैक्टीरियल सेल होता है वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाता है विद इन द 20 मिनट्स, किस मिनट्स के अंदर? 20 मिनट्स के अंदर वो क्या कर रहा होता है बेसिकली? वो जो है वो डिवाइड होके अपना जो डॉटर सेल है वो बना चुका होता है, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा, यहाँ तक आपने इसको अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। कोई बात अगर आपको समझ ना आए तो आपने इसको मुझसे पूछना है कि सर ये बात किस तरह समझ नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये क्वेश्चन भी बनते हैं कि वाई ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि वाई डू जो है ना साइंटिस्ट यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, के क्यों जो है ना साइंटिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो यही वजूहत होती है क्योंकि बैक्टीरिया इसकी तीन वजूहत, बैक्टीरिया सेल बहुत सिंपल होता है, इजी टू ग्रो करता है और इसका फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। दोबारा रिपीट कर दे तो आपके साथ बेटा, आप मेरे साथ पढ़िएगा, बैक्टीरिया सेल बहुत सिंपल होता है, इजी टू ग्रो होता है और इसका फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इतना फास्ट रेट होता है एक बैक्टीरियल सेल जो है जब वो डिवाइड होता है तो वो टू डॉटर सेल विद इन द 20 मिनट्स वो फास्ट की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। तो थैंक यू सो मच बेटा, आई होप आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।